नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार समेत पूरे देश में मकर संक्रांति त्यौहार की धूम है। हर कोई इस त्यौहार को मनाने के लिए जश्न और उल्लास में डूबा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार समेत पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि कई जगहों पर मकर संक्रांति आज के दिन यानी कि 14 तारीख को मनाई जा रही है, तो कई जगहों पर कई लोग इसे 15 तारीख को भी मना रहे हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी से ठीक कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में संदेश दिया है, बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की है बिहार समेत पूरे देश के लोगों को। नीतीश कुमार ने क्या कुछ लिखा है इस ट्वीट में, जरा आप देखिए। लिखे हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये पर्व सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। आप सभी इसे हर्षोल्लास, पारस्परिक स्नेह और सौहार्द के साथ मनाएं। नीतीश कुमार ने अभी से ठीक कुछ देर पहले यह ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बिहार के लोगों को बधाई दी है मकर संक्रांति की। देश के और प्रदेश के सभी लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने बड़ा मैसेज दिया है, बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि प्रेम और स्नेह के साथ इस त्यौहार को मनाइए। वैसे भी बिहार में अगर कोई त्यौहार होता है तो मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार संदेश दे देते हैं, बधाई देते हैं और एक बड़ा मैसेज भी इस दौरान छोड़ने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि त्यौहार क्यों आता है आपके जीवन में, त्यौहार का महत्व क्या है और त्यौहार को किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए। वैसे भी इस त्यौहार को चूड़ा दही का त्यौहार कहा जाता है। तिलकुट, तिल, चूड़ा और इससे संबंधित जितने भी सामग्री हैं उसकी खरीदारी के लिए बाजारों में कई दिनों से भीड़ देख रहे होंगे आप। लाइव सिटीज पर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हर रोज बाजार का हाल बताएं। त्यौहार आने से पहले हम दिखाना चाहते हैं, कोशिश होती है कि बाजार में क्या कुछ अप और डाउन हो रहा है, क्या कुछ ऊपर और क्या कुछ नीचे हो रहा है। तो ऐसे में मकर संक्रांति को लेकर के बाजारों में धूम मची हुई है, लोग इसे बड़े उल्लास के साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी आपको पता है कि पिछले कुछ सालों की बात कर लें, 2 या 3 सालों पीछे अगर साल पीछे की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगातार हम एक महामारी से जूझते आ रहे हैं। आज भी हालांकि उसकी दहशत बरकरार है और कहा जा रहा है कि ये तीसरी चौथी लहर जो है कोरोना की फिर से आने वाली है। इसी कोरोना की लहर में, इसी कोरोना के डर से हम कई सालों से कई त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, 2 सालों की अगर मुख्यतः बात कर लेते हैं तो। ऐसे में अब लोगों का उत्साह इस त्यौहार को लेकर भी चरम पर है। लोग अपने दोनों सालों की कसर को साल में मिटाना चाहते हैं और यही कारण है कि लोगों में उत्साह है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दे दी है, शुभकामनाएं दी हैं और ये कहते हुए अपनी बातों को खत्म किया है ट्विटर पर कि आप सभी इसे स्नेह और सौहार्द पूर्वक मनाइए, स्नेह के साथ मनाइए। त्यौहार आपके जीवन में बड़ा महत्व रखता है। आपके बीच में जो बाधाएं होती हैं, आपके बीच में जो मुश्किलात होते हैं, जो आपके बीच में पारस्परिक स्नेह का संबंध होता है उसको प्रगाढ़ करने के लिए त्यौहारों का आगमन आपके जीवन में होता है और यही बताने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।